गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे। और हम लोग ये जो वीडियो शुरू करने वाले हैं, क्लास जो शुरू करने वाले हैं, ये मौलिक अधिकारों की क्लास है। और इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक भी है। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है, तो एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लेक्चर्स को वो करने के लिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे पहली बार इस वीडियो पे आ गए हैं, इस फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट, तो वो कोशिश करें कि जा कर के पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, ताकि वो पूरे उसका गेन कर सके नॉलेज और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि चीज़ों को अधूरा करने से का कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए कवर करता है और हम लोग पूरा का पूरा कोर्स करने वाले हैं, तो इसके डिटेल्स में इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर इसकी प्लेलिस्ट भी ओपन हो जाएगी, तो उसमें भी आप लोग जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट भी होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं मूल अधिकारों को, और ये हम लोग जो है समता का अधिकार कवर करेंगे, और उसके बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकारों को, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वापस से आप लोगों का स्वागत है। फिर से हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो ख़त्म किया था, वो हम लोगों ने ख़त्म किया था नागरिकता से जुड़ा हुआ। चूँकि अब नागरिक भी बन गए हैं, देश भी बन गया है, तो नागरिकों को कुछ अधिकार भी देने ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भारत का नागरिक बनेगा उसके कुछ बेनिफिट भी तो होने चाहिए, है ना। तो नागरिक के मूल अधिकार क्या क्या हैं, इसे हमने कहाँ से कॉपी किया था, एक बार पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बेसिक बात करते हैं कि भाई जो मूल अधिकार हैं, इसकी चर्चा भाग 3 में की गई है, और ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक 12 से लेकर के 35 तक ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है, क्योंकि मूल अधिकारों का जो कर्ता धर्ता हुआ अमेरिका ही है सबसे पहले, ठीक है। तो ये जितनी बातें हम लोग मैंने आपको बताई, ये स्टार्टिंग के इस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिखने लग रही होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है, समानता संविधान में सम्मिलित था, मतलब मूल संविधान में ही था ये, ठीक है। और इसको ज़्यादा, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल लाइक कोई चीज़ नहीं है, हमने इसको अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, मैंने आपको बता दिया है। प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को सम्मानित किया गया है। संविधान के भाग 3 से लेकर में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका जिक्र है। ये ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें जो वन लाइनर्स और वन बाकी सारी चीज़ों में पूछी जाती हैं। अब रही बात जो एक जो बचपन से हम लोग क्वेश्चन देखते आ रहे हैं कि भाई हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं और वो कहाँ से कहाँ कवर होते हैं, तो इसको भी एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों को अगर हम उसका वर्गीकरण करें, तो उसमें 6 मौलिक अधिकार थे हमारे पास। पहले कितने थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल वर्तमान में 6 हैं। ये समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, इसमें 14 क्या कह रहा है, 15 क्या कह रहा है, 16 क्या कह रहा है, 17 क्या कह रहा है, हम देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी कहा है, दैट इज़ अनुच्छेद 32। और अगर हम एक बात करें गाइस, तो हमारे मूल संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन हमने उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको जो है हटा दिया, और इसको हमने IPC की धारा 300 में इसको शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये जो संविधान था, ये संपत्ति का अधिकार था बेसिकली, ठीक है। तो अगर लिखने हैं आपको स्टेटमेंट वाइज, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये नोटिस आप देख सकते हो, ये संपत्ति का अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकारों की सूची से हटा कर से विधिक अधिकार के रूप में, यानी लॉ राइट्स के रूप में आर्टिकल 300 IPC में और CRPC में 300 में शामिल किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखते हैं एक बार फिर से, हमारे पास जो मौलिक अधिकार हैं, इसमें से सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं जो अनुच्छेद 15, 16 और 19 आदि, जबकि कुछ अनुच्छेद सभी लोगों के लिए।
हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसमें दो प्रकार से इसको कैटेगरी किया गया, कुछ तो हमने सिर्फ भारतीयों के लिए रखा है जो भारत का नागरिक होगा वो, और कुछ हमने विदेशियों के लिए भी रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये इस बात की पुष्टि भी करता है कि भारतीय संविधान जो है वो कितना सुरक्षित है बाहर से आने वालों के लिए भी। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो जो बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, कि भाई इसमें जो अनुच्छेद 15, 16 और 19 है ये तो हमने भारतीयों के लिए रखा है, जबकि अनुच्छेद 19 जो है ना विधि के समक्ष समानता है, ठीक है, और अनुच्छेद 20, 21, 22 और 23 जो है ये विदेशियों के लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि कानून के सामने समान सब होंगे, ये विदेशियों के लिए भी रखा गया ये प्रोविज़न, और ये प्रोविज़न जो है वो इंडियंस के लिए भी रखा गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं ताकि व्यक्तिगत अधिकारों व जनता के अधिकारों के मध्य एक संतुलन कायम किया जा सके। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे प्रोविजन लगाए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ एक विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसका निलंबन भी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर देश में इमरजेंसी लगी हुई है, आर्टिकल 352, 356, 360 भी इवन दो, क्योंकि हमारे देश में तीन प्रकार की इमरजेंसी है, और मैं आपको पहले भी बताया है कि हमने इमरजेंसी को जर्मनी से लिया है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो वित्तीय आपात है ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, आर्टिकल 360 जिसे अभी तक लगाया नहीं गया है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें इसमें, तो जो मैं आपको प्रोविजन बता रहा था कि भाई ये जो मूल अधिकार हैं या आपातकाल की स्थिति में जो है वो तो ख़त्म कर दिए जाते हैं, यानी कि हटा दिए जाते हैं, लेकिन तो भी एक दो मूल अधिकार हैं वो तभी भी लागू होते हैं, एक तो अनुच्छेद 20 और दूसरा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो कभी भी नहीं हटाए जा सकते, चाहे कितनी भी इमरजेंसी देश में लगी हुई हो। यानी एक तो जीवन जीने का अधिकार, जो एक फंडामेंटल ये है, जीवन जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता इन द केस ऑफ इमरजेंसी एज वेल, और दूसरा कि भले ही आपको किसी परिस्थिति में अरेस्ट किया जाता तो उसका रीज़न बताया जाएगा या आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, उसको छोटा नहीं कर सकते। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक विशेषताओं से संयुक्त हैं क्योंकि ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 में वर्णित मूल अधिकार। कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक है जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 19 में निहित मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक, अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार जो नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पे आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, और इसके बारे में बताऊं कि उच्च न्यायालय जाने के बाद उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इस पर कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे ये हम लोग उच्च न्यायालय के जब हम टॉपिक अलग से पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, और आगे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगली स्लाइड्स में आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड्स पे क्या कह रहा है ये। एक तो ये हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, इन अधिकारों के क्रियान्वयन पर अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिग्रहण संबंधित कानून की रक्षा, अनुच्छेद 31 ख नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानूनों का विधि मान्यकरण, और अनुच्छेद 31 सी नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए बनाए गए कानून द्वारा सीमाएं आरोपित की गई हैं। अब ये क्या चीज़ है इसको भी देख लीजिए आप लोग। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में पहला संविधान संशोधन किया गया और हमने नौवीं अनुसूची बनाई, जिसके ये जो नौवीं अनुसूची थी ये बेसिकली भूमि अधिग्रहण से जुड़ी हुई थी। तो इस अनुसूची में अगर हम कोई मुद्दा डालते हैं तो उसको किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन हालांकि ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उच्च न्यायालय चूंकि मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, उच्चतम न्यायालय चूंकि मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, इसलिए यदि न्यायालय को ये लगता है कि ऐसा कोई कानून इसमें बना के डाला गया है तो अनुसूची 9 की समीक्षा जो है उच्चतम न्यायालय कर सकता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सैन्य कानून तथा सैन्य शासन विशेष परिस्थितियों में लागू किए गए हैं अनुच्छेद 34, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अल्पीकरण तथा रद्द किया जा सकता है। यानी जहाँ पर सैन्य कानून लगे हुए हैं या जहाँ पर सैन्य सेना लगी हुई है किसी कारणवश से, किसी विशेष परिस्थिति की वजह से, तो वहाँ पर मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। वहाँ पर आर्म्स एक्ट या स्पेशल फोर्सेज का जो एक्ट जो है वो लगता है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, एक लास्ट पॉइंट है, राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए संसद
मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन होते कानून अनुच्छेद 35 बना सकती है, ठीक है, आगे अगर और भी मतलब चेंजेस कर सकती है। आगे की अगर हम बात करें गाइस, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, अब भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो एक बार देख लेते हैं, और विदेशों को देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर में इतना ही, बाकी के मौलिक अधिकारों को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पांच चीज़ें जो है ना, पांच मौलिक अधिकार जो भारतीयों को प्राप्त है क्या क्या, ये नागरिकों के मध्य केवल मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध है। यानी कि हम किसी भी भारतीय नागरिक, जो भारत का नागरिक है, उसके साथ हम लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, किसी स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते, अनुच्छेद 15 ऐसा कहता है, ठीक है। आगे की अगर बात करें, राज्य के अधीन सेवाओं में अवसर की समानता का अधिकार है, यानी हमने जितने भी पोस्ट बनाए हैं गवर्नमेंट्स सर्विसेज में, उसमें पहला क्राइटेरिया हमने लिख दिया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें, वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, निर्वाध विचरण यानी आने जाने की, आवागमन की, निवास और विषयक अधिकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अल्पसंख्यक में ये मोटे तौर पर पढ़ना है कि भारतीयों को कौन कौन से दिए गए हैं, तो ये चार चीज़ें दी गई हैं। अगर आप लोग देखोगे तो ये पॉइंट्स आपको सारे लिखने हैं, मैं एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ क्योंकि ये डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भारतीयों को क्या दिया गया है, है ना, विदेशों को क्या प्राप्त है ना, जो शत्रु देश ना हो हमारा उनको क्या प्राप्त हो ना। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है आपका, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रसार करने संबंधित अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार, है ना, अगर कोई अल्प वर्ग चाहे या कोई अन्य वर्ग चाहे तो अपने नाम का शिक्षण संस्थान खोल सकता है, ये भारत में या भारतीयों को प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है भारतीयों को दी गई हैं। विदेशों की अगर बात करें तो विदेशों में सर नागरिकों के साथ साथ जो विदेशों को हमने मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें हमने स्पेशली मेंशन किया है कि वो भारत का शत्रु देश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले जो चीज़ दी गई है वो विधि के समक्ष समानता दी गई है, ठीक है, अगर कोई भारत से आता है तो कानून उसके लिए भी उतना ही यूज़फुल रहेगा या उसके लिए उतना ही सख्त रहेगा जो बाहर से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट अनुच्छेद 14 बनता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना, अगर अपराध हुए हैं तो दोष सिद्ध प्रूफ करने का या उसको बाकी सारे प्रोविजन जो है लॉ से रिलेटेड वो सारे प्रोविजन मिलेंगे। प्राण और दैहिक सुरक्षा, ये तो हमें भी मिलता है उनको भी मिलता है, ये दोनों पॉइंट जो है ना दोनों को ही मिलते हैं। बेसिक शिक्षा का अधिकार, ये उसको भी प्राप्त होगा। कुछ मामलों में हिरासत और नज़रबंदी में संरक्षण संबंधित अधिकार भी दिए गए हैं, ठीक है। बाल श्रम और मानव तस्करी के विरुद्ध प्रतिषेध में कुछ प्रोविजन्स दिए गए हैं, मतलब ये उनसे नहीं करवाया जा सकता, ये करेंगे नहीं, ये उनको नहीं करवाया जा सकता। कारखानों आदि में बच्चों के लिए नियोजन का प्रतिबंध किया गया है, और धार्मिक प्रचार और प्रयास की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो धार्मिक प्रचार करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आगे की हम लोग बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो धार्मिक संस्थाओं को संचालन की स्वतंत्रता है, कोई धार्मिक संस्थान कोई विदेश से आगे चलाना चाहता है चला सकता है। हम चाहते धर्म को प्रोत्साहन देने हेतु छूट है, और कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता भी है, ठीक है। तो ये सारे साइड जो है ना, यानी विदेशियों को तो 5 प्राप्त हैं और विदेशियों को 8 प्राप्त हैं, नंबर के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, ये तो कोई मैटर ही नहीं हुआ हमारा कि नंबर के ऊपर जाके उनको 8 प्राप्त हैं 5 प्राप्त हैं, ठीक है। आगे की अगर हम बात करें गाइस, हम वन बाई वन करने वाले हैं एक एक करके कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, डिटेल में पढ़ेंगे काफ़ी ज़्यादा, तो एक दो मौलिक अधिकार हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो समता का अधिकार होगा, और इसके बारे में क्या क्या प्रोविजन वो करेंगे, ठीक है। समता का अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। समता के अधिकार को हम लोग ख़त्म करते हैं और देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे अपनी स्क्रीन पे, तो समता के अधिकार को एक बार जरा देखो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो है वो न्यायालय यानी कि कानून के सामने जो है समान होगा, और उसको समान संरक्षण भी प्राप्त होगा, ये दोनों को ही प्राप्त हैं, ठीक है ना, विदेशियों को भी इनको भी। 15(1) में निहित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, है ना, कोई भी राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकता, एक तो ये चीज़ है, ठीक है। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश पर या राज्य द्वारा पोषित सर्वसाधारण के कुओं, तालाबों, स्नान गृहों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों या सड़कों के उपयोग के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा,
ठीक है, यानी आप किसी को भी किसी के साथ समता का अधिकार है ना, बेसिकली समानता का अधिकार है ना, तो आप इस किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर सकते किसी के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और अन्य चीज़ों के आधार पर। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस 15:3 की। इसके अनुसार राज्य बालकों और स्त्रियों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विकास के लिए उपबंध या कानून बना सकता है या बनाएगा। एससी एसटी का रिजर्वेशन यहीं से चलता है। अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर को समता का प्रावधान है, परंतु इस प्रावधान में 3 अपवाद भी हैं। ठीक है ना, क्या संसद किसी राज्य के अधीन सार्वजनिक रोजगार के संबंध में आवश्यक शर्त आरोपित कर सकती है? ठीक है, राज्य पिछड़े वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है, चूंकि समानता समता का अधिकार है, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसका, है ना। समता का अधिकार तो ये कहता है कि सबको बराबर जॉब्स मिलने चाहिए, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो इसी के अंदर एक्सेप्शन के थ्रू रखा गया है, इसी आर्टिकल में एक्सेप्शन के थ्रू रखा गया है, इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है पेपर के कंसर्न से और इंटरव्यू के कंसर्न से भी। राज्य विधि के तहत धार्मिक आधार पर भी विशेष उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं गाइस, तो अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता की समाप्ति, बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा वर्ड है और आपको पेपर में सेम टर्म मिलेगा, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो अस्पृश्यता के आधार पर जो है अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है, छुआछूत को खत्म किया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अस्पृश्य नहीं माना जाएगा। हालांकि इस अधिनियम में अस्पृश्यता की परिभाषा नहीं किया गया है, ना ही कोई ठोस दंडनीय अपराध का प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता यानी कि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है तो उसका क्या पनिशमेंट की जाएगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। फलतः जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, साथ ही 6 माह के कारावास या 500 रुपये तक का दंड अथवा दोनों शामिल किए गए हैं। ठीक है, यानी कि जब ये कानून बनाया गया था अनटचेबिलिटी का, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी माझी द माउंटेन मैन, उसमें एक सीन दिखाया गया है कि छुआछूत को ख़त्म कर दिया गया, उसमें डांस करते हुए देखते हैं कि सब बराबर है। अब ये बात इंदिरा गांधी के समय की है, लेकिन जब ये कानून बनाया गया था तो जो इस कानून का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्या सजा होगी, इसका कोई प्रोविजन उस अमेंडमेंट में नहीं था। इसको 6 महीने बाद लागू किया गया कि 6 महीने तक की सजा या फिर 500 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों लागू किए जाएंगे। 1955 के तहत छुआछूत को जो है छुआछूत में संलिप्त मतलब जो दोषी है व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल में चुनाव लड़ने के लिए मतलब कि योग्य नहीं होगा, यानी जिस व्यक्ति ने छुआछूत का जिस पर केस चल रहा हो वो कभी भी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। जैसे मान लिया कि मेरे पर कोई केस चल रहा है, मैंने किसी साथ ये किया है, तो मैं कभी भी विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही संसद में चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं नगर निगम के चुनाव में चुनाव लड़ सकता हूँ। ठीक है, विधानसभाओं में और संसद में नहीं लड़ सकता। ये एक नई चीज़ थी जानने लायक। आगे की अगर हम बात करें थोड़ा सा, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य माना है। ठीक है, अनुच्छेद 18 के तहत कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। भारत का नागरिक कोई भी विदेश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, और क्या नहीं कर सकता वो भी एक बार देख लेते हैं। साथ ही भारत सरकार के नियोजन में कार्यरत विदेशी भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी उपाधि को धारण नहीं करेगा। अगर उसको धारण करना ही है तो वो भारत का क्या कहते हैं उसको, अगर उसको धारण करना ही है तो उसको पहले राष्ट्रपति से एक परमिशन लेनी होगी और उसके बाद वो उस उपाधि को लेने जा सकता है। जैसे कि बहुत से लोग जाते हैं, जैसे कि मैं आपको रिसेंट का एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि किरण बेदी ने, अरविंद केजरीवाल ने और रवीश कुमार ने, इन तीनों ने एशिया का नोबल पुरस्कार कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसेस पुरस्कार को, जो कि फिलीपींस की सरकार देती है, को अपनाया है। ठीक है, तो ये सारे ये जो इसको एशिया का नोबल प्राइज़ भी कहा जाता है, रैमन मैग्सेसेस पुरस्कार को। ठीक है, तो इन लोगों ने ये अवार्ड्स लिए हुए हैं, तो ये रिटन उसके थ्रू ही लिए होंगे। ठीक है, डायरेक्ट जाके नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला, इसको गाइस हम लोग इसी पार्ट में रोक रहे हैं। ठीक है, अगला जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 1922 चलेगा, जो कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में चलेगा। ठीक है, और उसमें हम लोग बाकी के अधिकारों को भी कवर करेंगे, तो इसको यहीं पर रोक रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस वाले स्लाइड से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922। ठीक है, तो इसको यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।